दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर जो सिलेबस है आपने जिस भी सब्जेक्ट का है, मैं आपको इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, मैथ है या कुछ भी है, तो मैं आपको उसका सिलेबस अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इस वीडियो अभी इसमें बता रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी का, कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, और बाकी और भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो पाठ्यक्रम सहायक अध्यापक LT स्नातक स्तर स्नातक स्तर विषय हिंदी, यह है आपका हिंदी। हिंदी वर्णमाला आपको पूरी पढ़नी है, हिंदी शब्द रचना। अब दोस्तों बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि जो जैसे मार्केट में कोई भी बुक आ जा रही है, जैसे उपकार पब्लिकेशन है, कोई भी इस तरह की बुक आती है, तो ज़्यादातर लोग उनको ख़रीद रहे हैं। तो आप भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग खरीद रहे हैं मार्केट में जो भी बुक आ रही है। पर आपको दोस्तों अपने सब्जेक्ट का, ये आप हिंदी का है, मैथ है, संस्कृत है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। तभी आप अध्यापक का मतलब है कि आप उसी विषय में आपको जो है कि एक्सपर्ट होना होगा, तभी दोस्तों आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मेरा आपसे है कि आप अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज रखिए। वाक्य वाक्य भेद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देवनागरी लिपि आपको पढ़नी है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला जो भी है पूरा आप पढ़ सकते हैं। पद्य साहित्य व गद्य साहित्य, काव्यांग परिचय, रस छंद अलंकार, ये सब आपको पढ़ने रहते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी कविता, भक्तिकालीन, रीतिकालीन आपको 10th से लेके 11th 12th और जो आपका जैसे BA जो भी रहता है आपका BSc जो भी है वहाँ, अगर आपकी हिंदी है BA में, फिर MA में आपकी हिंदी रही होगी, तो हिंदी का अगर आपका है तो आपको उन किताबों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और बाकी जो मार्केट में किताबें हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, तब आप निकाल पाएंगे दोस्तों। और यहाँ हिंदी कविता फर्स्ट, भक्तिकालीन, रीतिकालीन, हिंदी कविता दो, भारतेंदु से छायावादी काल तक, छायोत्तर कविता, हिंदी गद्य पढ़ना है आपको, नाट्य साहित्य पढ़ना है, कथेत्तर गद्य और रेखाचित्र एवं अन्य विधान, जैसे रेखाचित्र महादेवी वर्मा जी लिखती थी, और भी तो आपको वह सब पढ़ना है। तो ये ऑफिशियली है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ और सब्जेक्ट का आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सभी के लिए है कि आप दोस्तों मैथ है आपका, तो आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, ये तभी आप जो है कि एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं, आयु सीमा जो रहती है 21 से 42 तक इसमें आयु सीमा रहती है, तो सभी लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे जिन्होंने BEd किया है, जिनके पास ये है, तो जो जो उसमें मांगी गई थी तो मैंने आपको बताया था। तो चलिए फिर, तो दोस्तों मैं आ गया हूँ UK SSC की साइट पर, ये आप देख सकते हैं, ये आप अपने फ़ोन में सिंपली लिखिए और सर्च में जाइए, और ये आपको सिर्फ टाइप करना है। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस फॉर LT हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक अगर आपका है तो संगीत, और फिजिकल एजुकेशन LT आर्ट, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मैथ, साइंस, होम साइंस और LT जर्नल, कॉमर्स, संस्कृत, ये अगर आपका है तो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड अपना कर सकते हैं और उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों शायद मार्च अप्रैल या फिर मई तब तक हो जाए, जल्दी हो जाए। तो कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।